अगर उसके खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई पारित कर दे पांच सदस्यीय टीम तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल, हर साल अपने संगठन में बदलाव करेंगे। ये 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 जो है प्रारंभिक स्टेज की बात है। जैसे आप विदेशों में देखे हो, बहुत सारे संविधान जो बने हैं, संविधान बनाने वाली टीम से भी कई लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर किसी ने खोलने का कोशिश किया तो दिल्ली से भेजा जाता है वो परमानेंट टेप जो होता है, वो परमानेंट टेप भेजा जाता है। अगर उससे भी नहीं बात मानी जाती है तो सीधे आपको संट में भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के सामने आपको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। यही बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी है। नीतीश कुमार की बढ़िया नहीं होगा, फसल भी बढ़िया होगी। अगर नहीं होता है तो प्रसाद किशोर ये भी कह रहे हैं कि भैया हम अगर गेहूं बुलवाए हैं, बुवाए हैं आपके धान के जगह पर, तो उसका जिम्मेवारी भी मेरी है। अगर फसल नहीं होता है तो वो जिम्मेवारी हम पूरा करेंगे। इस बार गलती कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार को तीन तीन बार लोग जिताए, उसके पीछे का भी कुछ कारण है कि नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से लोगों को चैन से जीने का कारण हेतु जरूर दिया है। अपराध रुका है, अपहरण रुका है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत आई देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल होगी। बिहार के राजनीति में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज एक पार्टी का लॉन्चिंग होने जा रहा है। नाम है जनसुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर पिछले 2.5 सालों में जो मेहनत किए हैं, पूरे बिहार भर में घूमे हैं, उसका परिणाम आज दिखेगा। वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर एक बड़ा अनाउंसमेंट आज करने जा रहे हैं। अब से कुछ घंटों के बाद प्रशांत किशोर अपने पार्टी, अपने नेताओं के बीच मौजूद रहेंगे। एक बिहार की राजनीति के लिए झटका कह सकते हैं, तगड़ा झटका तमाम जो यहां पर पार्टियां हैं उनको मिलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं और रणनीति बनाते बनाते उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। लेकिन पार्टी बनाने के पीछे की वजह क्या है? लॉन्चिंग से ठीक कुछ घंटे पहले क्या प्रशांत किशोर का एजेंडा लीक हो गया है? प्रशांत किशोर जिस एजेंडे पर काम करना चाहते थे उसे क्या सार्वजनिक कर दिया गया है? क्यों छुपा के रखना चाहते थे? जांच पड़ताल इसी विषय पर करेंगे। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, आप कुछ घंटे के बाद प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जिस जन सुराज की कही जाती थी मुहिम या फिर उसके जो एजेंडे थे वो धीरे धीरे फ्लोर पे आने लगे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि अचानक से प्रशांत किशोर सब कुछ मतलब हिडन तरीके से कर रहे हैं, अचानक से सब कुछ मतलब पोल खुल रहा है उनका। क्या है वो एजेंडा, कौन सा एजेंडा लीक हो रहा है? रत्नेश, पटना में आपका कोई मकान है या किराए पर रहते हैं? हम तो किराए पर रहते हैं। निश्चित रूप से किराए पर रहते होंगे तो मकान मालिक चाहे जितना भी अच्छा होगा, समय पर किराया देते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के आप पर जरूर कभी ना कोई टोका टाकी करता होगा। ये तुम यार साफ नहीं रखते हो जी, बैचलर हो तुम लोग, साफ नहीं रखते हो यार तुम इतना लेट क्यों आते हो? कौन तुम्हारा रोज रोज ताला खोलेगा भाई? अब तो काम में व्यस्त हो गए थे। नहीं नहीं, सब नहीं चलेगा, ऐसा है तो डेरा खाली कर दो तुम। प्रशांत किशोर अब तक किराए के मकान में रह रहे थे और किराए के मकान में रहते रहते अचानक से उनको लगा कि कितने दिनों तक किराए के मकान में रहेंगे। अब रत्नेश पांडे भी आज से 2-4 साल के बाद सोचना शुरू करेंगे कि पटना और आसपास के बगल में एक आध कट्ठा लेकर के ठो मकान बनाना शुरू करें। प्रशांत किशोर लगातार जिस तरह से किराए के मकान में, कभी इस मकान में, कभी उस मकान में, कभी उस मकान में, और किराए के मकान में सबसे बड़ा दिक्कत क्या उसको होता है ना कि आप अपने लगेज के साथ मकान चेंज करते हैं, उसके लिए आप मूवर एंड पैकर को बुलाइए, बहुत तरह की बात होती है, पूरा सिस्टम आपको लेकर के वो मकान मालिक है अभी निकलो तुम, कुछ निकाल सामान निकाल के फेंकियो देगा, तो आपका सामान तो लॉस होगा ही, वो तो टूटे फूटेगा ही, लेकिन उसको पैक करके ले जाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वही सब सोचते हुए प्रशांत किशोर ने ऐसा सोचा कि क्यों ना अपना हम मकान बना लें और उसी मकान में सारा सेटअप कर लें, रहने खाने सोने की सारी व्यवस्था, कोई मालिक नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, हम खुद से अपना मालिक होंगे, खुद के बॉस होंगे। प्रशांत किशोर का ये प्लान जो है वो कई लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के शुरू हुआ। अब तक प्रशांत किशोर ने भाजपा को छोड़ करके
बाकी जितने भी कांग्रेस के लिए भी काम किया है, लेकिन जितने भी दल के लिए काम किया है वो सभी दल व्यक्तिवाद पार्टी के हैं। जैसे नीतीश कुमार, जदयू नीतीश कुमार है तो पार्टी है जी। उसके अलावे समाजवादी पार्टी का काम क्यों किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह हैं तो जी। अखिलेश है, यादव हैं तो पार्टी है, वरना पार्टी नहीं है, उन्हीं पर पार्टी चलनी है। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी को लेकर के आप कहिए, ममता बनर्जी को लेकर कहिए, या फिर प्रशांत किशोर की तरफ से ले जाइए आप, ये सब लोग व्यक्तिवाद की पार्टी चला रहे थे जी। प्रशांत किशोर ने देखा कि अरे जब ये आदमी अपना मकान बना सकता है, ये आदमी अपने मकान में रह सकता है, ये अपने मकान को सजा ले जा सकता है और उसका मालिक कहला सकता है, तो हम क्यों नहीं, जबकि इसका मकान बनाने का सारा स्ट्रक्चर तो मेरा बनाया हुआ है। ईंट कौन लगेगा, गारा कौन लगेगा, सीमेंट कौन लगेगा, बैनर पोस्टर कौन लगेगा, दरवाजे का रंग कैसा होगा, सब तो हम करते हैं। आज वही प्रशांत किशोर जब हम खबर कर रहे हैं उसके कुछ घंटों के बाद अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे जी। पार्टी का नाम तो लगभग क्लियर हो गया है कि जन स्वराज पार्टी होगा, JSP। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बहुत पहले इस बात को आइडेंटिफाई कर दिए थे और खुलासा कर दिए थे कि उनकी पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। और प्रशांत किशोर, खास करके प्रशांत किशोर को हम थोड़ा सा, प्रशांत किशोर आप देखे हुए कि प्रशांत किशोर को लेकर के, उनके स्ट्रेटजी को लेकर के, वो जो कहते थे उस बात को लेकर के बहुत हद तक हम लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है नहीं, आज भी वो पॉलिटिशियन नहीं है, आज भी मैनेजमेंट करने के लिए वो जान जाते हैं, आज भी वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है प्रशांत किशोर, अभी हो भी नहीं सकते, अभी काफ़ी समय लगेगा उनको पॉलिटिशियन बनने में। और यही कारण था कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी का हम लोग जरूर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन नेता के रूप में उनको नहीं मानते थे, आज भी नेता के रूप में उनको नहीं मानते हम लोग, क्योंकि प्रशांत किशोर से जब मिलने आप जाइएगा तो आपको नेता की तरह बात नहीं करते हैं, कट टू कट बात करते हैं। और जब भी आपको किसी से कुछ फ्री में लेना हो, फ्री में क्या मिलता है, वोट। जब किसी से फ्री में कुछ लेना हो तो उसको बदले में आपको बहुत कुछ देना होता है, व्यवहार देना होता है, सम्मान देना होता है, आदर देना होता है, वादा देना होता है, झूठ देना होता है, लालच देना होता है, ये सभी चीज़ आपको एक थाली में सजा करके देना होता है। प्रशांत किशोर इसके माहिर नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द एक बड़ा जमावड़ा है जो नेताओं का है, कई नेताओं को आप जानते हैं जो लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में वो तीसरा विकल्प कौन सा आएगा, जिसके साथ हम चल करके इस बिहार को बदलने की कवायद में लगेंगे जी, और आज ताकत भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जो पार्टियां हमें दरकिनार कर रही हैं, बिल्कुल, जिनको लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं है, वहां जाएंगे तीसरे मोर्चे पे तो शायद उन्हें भी पता चलेगा कि हम कितने ताकतवर थे जी। जी, ये सारी प्रक्रिया है, सारी परिस्थितियां हैं। और खास करके मैं 2-3 दिन से जो लगातार आपको बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर से जब मेरी मुलाकात हुई तब भी प्रशांत किशोर से मुलाकात के समय भी मैंने कुछ बातें कही थी जी, आपको याद होगा, आप भी उस समय मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन लोगों में से नहीं है कि प्रशांत किशोर जो कहेंगे हम वही कहेंगे, उससे ज्यादा ही हम प्रशांत किशोर जो नहीं कहेंगे वो बातें ज्यादा कहेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं ये सब कोई नहीं बताएगा। प्रशांत किशोर को लेकर के जितने भी लोग अभी तक बोल रहे हैं, बहुत अधिकांश लोग, वो प्रशांत किशोर जो कहना चाहते हैं, जो कहलवाना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अगर नेता के रूप में, या इस बार प्रशांत किशोर को अगर प्रूफ करना है अपने आप को, तो ये उनके लिए असली अग्नि परीक्षा है। और इस अग्नि परीक्षा में प्रशांत किशोर को पास कौन लोग कराएगा, परीक्षा प्रशांत किशोर को देना है, लेकिन पास कराना है उन लोगों को जो उनके इर्द गिर्द दायरा बना करके एक लंबे समय से इस इंतजार में थे कि बिहार कौन बदलने आएगा। वो नेता जो वास्तव में समाज सेवा जानते हैं, वास्तव में नेता हैं, नेतृत्व किया है, कभी चुनाव लड़ा है, कभी नहीं भी लड़ा है, नेताओं के साथ रहा है, सीखा है कि कैसे नेता चलते हैं, वैसे लोग। अब इसमें है क्या कि प्रशांत किशोर ने जितनी भी बातें की हैं उसमें प्रशांत किशोर ने कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, कुछ बातें इन्फ्लुएंस होकर के उनकी आती हैं दिल्ली से होती हुई पटना तक अरविंद केजरीवाल से। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ था, दो सवाल थे लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो था जिसमें आपने देखा कि
राइट टू रिकॉल वाला था, जिसको कि प्रशांत किशोर लागू करने की बात कर रहे हैं, और ये मामला खटाई में पड़ गया जब अरविंद केजरीवाल इसको लागू नहीं कर पाए। वो एक मुद्दा रह गया था जिस मुद्दे को लागू करने का, जैसे आपने अगर किसी नेता को चुना और वो नेता आपके अनुरूप काम नहीं करता है, आपसे वादा खिलाफी करता है, आपसे मुलाकात नहीं करता है, एक्शन कर सकते हैं, मतलब आप उसके खिलाफ उसे वापस करने की बात कर सकते हैं कि हम अपना नेता इसे नहीं मानते हैं, इसकी सदस्यता समाप्त की जाए। उसके लिए उन्होंने जो पैमाना तय किया होगा वो तो सब थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जैसे ही उनका संविधान आएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि एक टीम गठन करेंगे, अगर कोई उम्मीदवार बनता है, अगर उसके खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई पारित कर दे, पांच सदस्यीय टीम, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल, हर साल अपने संगठन में बदलाव करेंगे। ये 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 जो है प्रारंभिक स्टेज की बात है। जैसे आप विदेशों में देखे होंगे बहुत सारे संविधान जो बने हैं, संविधान बनाने वाली टीम से भी कई लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान है, कई लोग मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। वो एक अलग हिडन बात है, क्योंकि एक पत्रकार के नाते बहुत लोगों से आपके रिश्ते होते हैं, और उन रिश्तों को आप निश्चित रूप से न वो ओपन करते हैं न हम ओपन करते हैं। ये एक हमारे बीच का एक पर्दा है जो हमेशा बरकरार रहेगा, लेकिन उस मित्रता के नाते हम लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत संविधान पर भी बातें होती हैं, जो उनको जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी पर भी चर्चा होती है कि उन्हें लगता होगा कि मैं उनके साथ बात करके, मेरे साथ बात करके वो कुछ सहज महसूस हुए, या हो सकता है कि उन्हें लगता होगा कि कहेंगे तो इस पर कुछ कमियां रह गई हैं तो इनसे हमको प्राप्त होगा, या मुझे भी लगता है बहुत सारी बातें मैं खोद खोद के पूछता हूं कि इसको कैसे आप लोग कीजिएगा। तो सारी बातों में संविधान बनाने के लिए जो टीम बनी हुई है, उस टीम ने बहुत सारी ऐसी बातें एकदम बिल्कुल फ्रेश रखी हैं, जिसमें विदेशों से कई चीज़ एडॉप्ट किया गया है। जैसे हमारा भी संविधान जो बना, भारत का संविधान, उसको भी कई जगहों से अडॉप्ट किया गया है। वैसे ही अमेरिका में जिस तरह से आप देखे होइएगा सीनेट की जिस तरह से मीटिंग होती है, जिस तरह से कॉलेज में आप देखे होइएगा कि डिबेट होता है, डिबेट में जो जिसको हरा दिया, जो जिसको जिता दिया, वो भी एक प्रक्रिया। तो इसी तरह से एक का एक सीट के लिए पांच कैंडिडेट अंतिम में फाइनली आइडेंटिफाई करके जो आएंगे, सेलेक्ट करके आएंगे, उन पाँचों के बीच में एक डिबेट होगा। उस डिबेट में लोग शामिल होंगे, उन कमिटी होगी जो उनकी डिबेट को सुन करके और ये तय करेगी कि इसमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति कौन है जो इस क्षेत्र का काम सफलतापूर्वक कर सकता है उस संविधान के तहत जो संविधान जनसुराज ने बनाया है। एक ये बात हो गई। इसके अलावा प्रशांत किशोर को लेकर के कुछ और भी बातें चल रही हैं। हम पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने से कुछ ही देर पहले जो चीज़ें निकल निकल के छन छन के आ रही है, पिछले 24 घंटे में प्रशांत किशोर की टीम के लोग जिस तरह से पूरे बिहार से आ रहे हैं, कई लोगों की मुलाकात आपसे भी हुई है, कई लोगों की मुलाकात हमारी भी हुई है, पहले भी कल ही आ गए थे, जी खाने की व्यवस्था मरीन ड्राइव पर किया गया, जी जी जी। तो ये सभी सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। कई लोग पटना में आने के बाद लंबे समय के बाद हमसे भी मुलाकात हुई है, तो वो लोग भी बहुत सारी बातें कह रहे थे किस तरह से ये पूरा अभियान चला। एक बात तो आप मान के चलिए कि प्रशांत किशोर ने जो एक संत की तरह जिस तरह से 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2024 को 2 साल नेट 2 साल के बाद उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करने की बात की। उन्होंने कहा था कि जब लोग कहेंगे कि हम पार्टी बनाएंगे तब बनाएंगे, हालांकि ये पब्लिक डोमेन बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पार्टी ऑलरेडी उनकी बन चुकी है जी। अब उसको सिर्फ पब्लिक में ला करके फ्लोर पे लाना है, उसका अनाउंसमेंट खाली करना है। इन सारी बातों के साथ साथ प्रशांत किशोर के आने से बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, कौन सा एजेंडा है उनका, उस एजेंडे को लेकर के उसके लीक होने की बात की जा रही है। तो पहला एजेंडा तो यही था कि राइट टू रिकॉल। दूसरा और महत्वपूर्ण जितने भी एजेंडे हैं उसको मैं बहुत तेजी से बता देता हूँ। पहला ये कि एक सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशांत किशोर किसे डैमेज करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी या किसी और को। मुख्यधारा में तो तीनों यही हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जब खोजने आप जाइएगा तो इसमें नीतीश प्लस आरजेडी आप कर सकते हैं, नीतीश प्लस बीजेपी आप कर सकते हैं, यानी इन दो धाराओं के बीच तीसरी धारा जो है वो बन करके प्रशांत किशोर
आ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के सवाल कई आपके भी मन में होंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको भी लगता होगा। देखिए, मैं शुरू में बता रहा था रत्नेश, आपको याद होगा, आपके साथ कई खबरें मैंने की हैं, उन खबरों के माध्यम से मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर चाहे अनचाहे में डैमेज तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल का भी कर रहे हैं। कारण उसका है कि दोनों ही सत्ता में रही हैं, राष्ट्रीय जनता दल 15 साल रही है, नीतीश कुमार 20 साल रहे हैं। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी रही है, लेकिन लड़ाई प्रशांत किशोर की किससे है? लालू और नीतीश। बिहार में लड़ाई उनकी है ना, उनकी लड़ाई केंद्र में तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का सीधा संबंध केंद्र से है। केंद्र से है। प्रशांत किशोर केंद्र की नीतियों को लेकर के बिहार के प्रति जो किया जा रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत घेर सकते हैं, लेकिन असल उनकी लड़ाई किससे है, किसको सत्ता से बेदखल करना है, किसको बिहार के राजनीति से उखाड़ फेंकना है, तो ये दो शख्स हैं। अब नीतीश और तेजस्वी के आइडियोलॉजी, उनके 15 साल और 20 साल के शासन पर जो जो कमियां रही हैं वो लोगों तक बता रहे हैं। मैं कल ही आपको बता रहा था, याद होगा आपको, क्योंकि मैंने ये भी बता रहा था कि 48 घंटे से 72 घंटे तक सिर्फ प्रशांत किशोर ही ट्रेंड करेंगे, जी, जी, जी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरह का मंच बनाया है, आधा तो लोगों का देह में जाड़ हो गया खाली मंचे देख के, इतना बड़ा मंच ना देखा ना सुना, फिल्मी स्टाइल में मंच बना है। अब उसमें घोड़दौड़ होगा कि क्या होगा, इतना बड़ा मंच है कि लग रहा है जैसे घोड़ा का उसमें दौड़ होगा। नहीं जी, बिल्कुल, आप दिखा रहे तो मैं देख रहा था, वो फिल्मी जब इवेंट होता है, कोई अवार्ड, मतलब अजीब अजीब तरह का वो सारा तैयारी हुआ है, और ये रात भर में जो बन करके वो तैयार होगा कल सवेरे के लिए, वो भी देखने लायक दर्शनीय चीज होगा। रात भर में तो हो गया है, आज सुबह में आज तो तैयारी जी, अब उसको सजाया जाएगा, सजाया। उसके बाद छोटी छोटी रेवटियां लगी हुई है वो अलग मनमोह रही है कि भाई इसमें कौन कौन देवता को बिठाया जाएगा। नहीं, आप कहीं जाइए पूजा स्थल में तो एक बड़ा मंदिर होता है, उसके साथ छोटा छोटा मंदिर गुंबद वाला होता है, उनके देवलोक से निकल के कोई और देवता बैठे, समझे? तो ये स्थिति है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर किसको ज्यादा डैमेज करेंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि किसको ज्यादा डैमेज करेंगे। अब प्रशांत किशोर को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश और तेजस्वी से एकदम बिल्कुल अलग प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी क्या है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी ये है कि नीतीश कुमार के सामने, भाजपा को भी इसमें जोड़ लीजिए, भाजपा नीतीश कुमार के सामने मुंह नहीं खोल सकती है, मुंह पर टेप चिपका कर, अगर किसी ने खोलने का कोशिश किया तो दिल्ली से भेजा जाता है वो परमानेंट टेप जो होता है, वो परमानेंट टेप भेजा जाता है, अगर उससे भी नहीं बात मानी जाती है तो सीधे आपको संट में भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के सामने आपको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। यही बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी है, नीतीश कुमार के साथ रह करके राष्ट्रीय जनता दल को भी अपने मुंह पर टेप चिपका के रखना, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक और प्रॉब्लम है कि कब नीतीश कुमार कूद के चढ़ाएंगे, इसलिए मत बोल भैया, उसका टेप ऐसा है ना जो हटता ही नहीं है, छन के बोलना होता है, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ नीतीश कुमार यदि कोई एजेंडा लागू करते हैं, नीतीश कुमार ने फरमान जारी कर दिया कि भाई आपके विभाग में तेजस्वी जी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, आपने 600 लोगों की बहाली ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की थी, इसमें हमको अनियमितता नजर आ रही है, इस पर जांच कमेटी बैठाओ। अब तेजस्वी यादव के देह में जाड़ हो गया, अब उधर कुछ बोलवे नहीं करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ वो आलोक मेहता भी ना है, भूमि राजस्व पहले ही हरदी खुर्दी बोल करके खड़ा हो जाएंगे कि जब हम ही नहीं बचे तो वो कौन है। सिंपल सी बात है कि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लगाई सबने स्वागत किया, हम सभी ने स्वागत किया, लेकिन जस्ट इसके रिवर्स 2 मिनट में शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं प्रशांत किशोर। जिस जमीन सर्वे को कालजयी हम लोग बता रहे हैं होगा ही नहीं, ये प्रशांत किशोर कहते हैं कि तो होगा ही नहीं, बंद भी हो गया। इसके अलावे स्मार्ट मीटर के लिए आप सोचिएगा कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी जो है उसको लेकर के प्रशांत किशोर का कहना है कि हम इसको भी समाप्त कर देंगे, हमको समय दीजिए, हमको मौका दीजिए, हम आप बाढ़ नहीं आएगा, जहां सुखाड़ आता है वहां पानी रहेगा, न सुखाड़ आएगा न बाढ़ आएगा, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं, कारण कि अगर बाढ़ नहीं आएगा तो इन लोगों को दाम नहीं आएगा, चुनाव में खर्चा जुटाने के लिए बाढ़ है ना है। अब बाढ़ में आप बताइए हमको, आप कैसे काउंट कर सकते हैं, कितना भी आप
ईमानदार होइए ना, ट्रिपल सी लेकर के माथा पर उसका मौर पहन के घूमी है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो ही जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकिएगा? तो उसका एक ही रास्ता है, जितना हर साल खर्च होता है उसको एक जगह समेट लीजिए और एक बार खर्च कर दीजिए। जिधर बाढ़ है उधर से रास्ता बना दीजिए पानी उधर जाने का, न सुखाड़ होगा न बाढ़ होगा। ये कई देशों में हो चुका है। प्रशांत किशोर का कहना है कि समस्या का समाधान ये लोग चाहते ही नहीं है। समस्या खत्म, ये लोग का दाम खत्म, ये लोग का कमाई खत्म, मुद्दा खत्म। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस पर भी वो प्रहार कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं। इसके अलावे आप अगर बात करें तो हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को वो अपनी टीम में शामिल किए हुए हैं, हर क्षेत्र के एक्सपर्ट को। अगर हर क्षेत्र आप समझ लीजिए, आप जाइएगा अपने खेत में तो आपके जाने से पहले प्रशांत किशोर का वहां वैज्ञानिक पहुंचा हुआ रहेगा, मिट्टी आपकी जांच करनी है। नहीं यहां पर आप गेहूं बोइए, धान बढ़िया नहीं होगा, फसल भी बढ़िया होगी। अगर नहीं होता है तो प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि भैया हम अगर गेहूं बुवाए हैं आप धान के जगह पर, तो उसका जिम्मेवारी भी मेरी है। अगर फसल नहीं होता है तो वो जिम्मेवारी हम पूरा करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के ये तो माने व्यवहारिक बात है ही, इसके अलावे इस व्यवहारिक बात में और भी बहुत सारी व्यवहारिक बात है, जिसमें बिहार से पलायन रोकने की बात उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है हम आपको विद इन अ ईयर रोक देंगे, सब 6 महीने में हमारा काम शुरू हो जाएगा, 1 साल में पलायन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सवाल ये पूछेगा कि आखिर कौन कौन है जो पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? आप पूछिएगा कि पर्दे के पीछे से कौन कौन मदद कर रहा है, तो मेरा जवाब होगा कि कौन नहीं कर रहा है, नाम बताइए। सब कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। नीतीश कुमार चाहे अनचाहे मदद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव चाहे अनचाहे मदद करते हैं, क्या जरूरत था प्रशांत पांडे कहने का, मदद ना किए हैं। जेहू दुचार को पंडित जी हुआ नहीं जानता था, वो जान गया है, अब वो अपना टीका बंडी लेकर के पहुंचल रहेगा। नहीं तो ये भी एक मदद हुआ। भारतीय जनता पार्टी काहे के लिए कुछ बोलने जाए, कितना लोग जा रहे हैं लाल घर पीला घर हरा घर ब्लू घर, प्रशांत किशोर को भेज दीजिए, रोज तो पैसा खर्चा हो ही ना रहा है जी, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, CBI लगा दीजिए, तो फलान कर नहीं पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कहाँ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। इससे भी बड़ा मदद दुनिया भर के लोग कर रहे हैं जो बिहारी हैं, भारतीय हैं, और जिनको बिहार से लगाव है। ऐसे कई लोगों ने फोन करके ये बात कहा है कि प्रशांत किशोर यदि आ जाते हैं तो हमें बिहार में व्यवसाय स्टार्ट करने में, हमें फैक्ट्री लगाने में, हमें रोजगार देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसमें IAS IPS, मैं बता रहा था ना झोला ढोने वाले IAS IPS, उन लोगों का भी दिन पलट गया है। सब लोग ख्वाब इस बात को देखना शुरू कर दिए हैं कि बिहार को बदलने के लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जेल में हो, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, जो भी उनके साथ चल रहा हो, जो भी मामला हो, उस मामला का तो अब न्यायालय में मामला है तो न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन जिस तरह से एक बार नहीं दो दो बार गलती कोई नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार को 3-3 बार लोग जिताए, उसके पीछे का भी कुछ कारण है कि नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से लोगों को चैन से जीने का कारण हेतु जरूर दिया है। अपराध रुका है, अपहरण रुका है, और भी बहुत तरह की ऐसी घटनाएं हैं जो रुकी हैं। ये सभी परिस्थितियां जो है ना, इसको बना करके मजबूर किया है लोगों को, बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने, कि हमको वोट दीजिए। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार फुल बहुमत में आए, दोबारा फुल बहुमत में आए, तिबारा भी फुल बहुमत आने के लिए तैयार। कोई वजह तो है, वजह तो जरूर है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आप लाख उनको दोषी बना लिए, और एक समय में आप समझिएगा लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुख यही है कि 51 आदमी 49 आदमी पर राज करता है। 100 लोग अगर वोट दे रहे हैं और 51 लोग जिसको वोट देंगे वो जीतता है, वो सत्ता में आता है, वो सरकार बनाता है, और 49 लोगों पर वो राज करता है, तो यानी कि 49 लोगों के अधिकारों का, उनके फैसले का तो हनन हो रहा है ना। लोकतंत्र यही है। लेकिन जब भी कोई नीति बनती है, योजना बनती है, तो उस 49 को लेकर के बनती है,
पूरे 100 लोगों के लिए योजना बनती है, ना कि 51 लोगों के लिए बनती है। प्रशांत किशोर ने इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार की जनता अंतिम पायदान पर खड़ी उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन सभी लोगों को बताया है कि आप में क्या क्या कमी रह गई है। पढ़े लिखे योग्य लोगों को मौका देना और उन लोगों के द्वारा जो जिस क्षेत्र का परंगत है उसको उस क्षेत्र का जिम्मेवारी देने का भी उन्होंने प्लान बनाया है। अभी बहुत सारी बातें धीरे धीरे खुल करके आएगी और प्रशांत किशोर क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसने तो कहीं ना कहीं हलचल जरूर मचा दिया है। और ये हलचल नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जी देखिए, तो ये प्रशांत किशोर का ये जो एजेंडा है ये वही एजेंडा है कि उनके पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ है और वो मदद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार में जब प्रशांत किशोर की सरकार बनती है अगर, तो शायद उनको बड़ा फायदा होगा। जांच पड़ताल में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आज बिहार में जो कुछ भी घटनाक्रम राजनीति घटेंगे आप भारत लाइव पर सबसे पहले देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।